बिहार में राजगीर पर्यटकों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह नालंदा जिला का एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है। यह शहर अपने ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर और अपनी धार्मिक महत्ता के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुका है। अगर आप खुद को भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक देना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, तो ऐसे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजगीर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये शहर धार्मिक लोगों के साथ साथ जो रोमांचक यात्रा चाहते हैं या फिर बच्चों के लिए भी, यह शहर सभी वर्ग के लोगों की यात्रा को खास बनाता है। राजगीर हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के समावेलन के लिए जाना जाता है। यह अद्भुत दृश्य आपको और कहीं नहीं मिलेगा। राजगीर अनेकों बड़े ख्याति, उपलब्धि, संघर्ष और शांति के लिए महाभारत काल से ही जाना जाता है। राजगीर शहर अपने सुंदर हरे भरे जंगल, पहाड़ियों, गर्म कुंड, झरने, गुफाएं, प्राचीन किला के खंडहर, मैदान, ग्लास ब्रिज इत्यादि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन राजगीर के गर्म कुंड की बात ही अलग है। राजगीर में ये गर्म कुंड पर्यटकों के लिए सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और आज बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम लोग राजगीर के गर्म कुंड के भ्रमण पर चलेंगे। राजगीर पहुंचने वाले पर्यटकों की सबसे पहली इच्छा होती है कि वो राजगीर के इस गर्म कुंड में स्नान करें। राजगीर में गर्म पानी का कुंज अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय गुणों के कारण एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इसका एक प्राकृतिक गर्म पानी पवित्र वैभव गिरी पहाड़ियों के नीचे अव्यक्त चैनलों के माध्यम से बहता है। यह एक परिसर में तलहटी के ठीक ऊपर सात अलग अलग धाराओं में दिखाई देता है। यह ब्रह्म कुंज या गर्म पानी का झरना या गर्म कुंड के रूप में भी जाना जाता है। गर्म पानी का झरना राजगीर में एक दर्शनीय स्थान है। हिंदू भक्तों के लिए एक तीर्थ यात्रा, जो स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी बुराइयों से छुटकारा पाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ नहाने से मृत्यु के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इसके अलावा यह माना जाता है कि इसमें मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के लिए चमत्कारी रूप से उपचार गुण होते हैं। राजगीर में 22 कुंड और 52 धाराएं हैं, जो देवताओं, ऋषि मुनियों और नदियों के नाम पर हैं। राजगीर आने वाले लोगों की प्राथमिकता होती है कि वे यहाँ गर्म पानी के कुंड और धाराओं का आनंद लें। इन सभी में सबसे प्रमुख सप्तधारा कुंड, जिसमें 2 धाराएं बंद हो चुकी हैं। बताते चलें कि राजगीर के वैभवगिरी पर्वत पर भेलवा डोब नाम का एक तालाब है, जहाँ से गर्म जल पर्वत से होते हुए राजगीर गर्म कुंड में पहुँचता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर्वत में कई तरह के केमिकल्स जैसे सोडियम, गंधक, सल्फर हैं। इसकी वजह से पानी गर्म होता है। यहाँ स्थित ब्रह्मकुंड बेहद ही प्रसिद्ध है। आख्यानों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पौत्र ने यहाँ यज्ञ करवाया था। यज्ञ से पहले स्नान के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ कुंड बनवाया था, जिस वजह से इस कुंड का नाम ब्रह्मकुंड पड़ा। वहीं इस यज्ञ में कुल 7 महत्वपूर्ण ऋषियों ने भाग लिया था, जिनमें भारद्वाज मुनि, दूसरे विश्वामित्र मुनि, तीसरे गौतम मुनि, चौथे वरिष्ठ मुनि और 5वें जमदग्नि मुनि। 6ठा और 7वां कुंड का धारा बंद हो गया है। अभी श्रद्धालु कुल 5 धाराओं में स्नान का लुत्फ उठाते हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इन धाराओं में नहाने से मृत्यु के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जोड़ों के दर्द के लिए भी यहाँ नहाना रामबाण है। इसे लोगों की श्रद्धा कहें या फिर वैज्ञानिक कारण, लेकिन जो भी हो, यह बेहद ही अद्भुत और अविश्वसनीय है। आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं कि आप यहाँ कब पहुँच रहे हैं। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।